बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इरफान खान। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही लेटेस्ट और रीसेंट इशू है, कोरोना से रिलेटेड है ना। अभी रिसेंटली चाइना में कोरोना की एक नई स्ट्रेन का आउटब्रेक हुआ है, विच इज़ ओमिक्रॉन BF7। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। अभी जो भारत सरकार है, उन्होंने भी जो है वो गाइडलाइन देना शुरू कर दिया है। अभी इंडिया में इस पर डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया है कि क्या करना चाहिए। लोग बात कर रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, हालांकि वो सारे के सारे सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ हैं। हमारा जो यहाँ पर डिस्कस करने का मेन जो मकसद है, जो सिग्निफिकेंस है, मैंने ये टॉपिक जो उठाया है आपसे डिस्कस करने के लिए, कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि अब करना क्या है। अगर दोबारा से कोरोना की स्ट्रेन आ गई तो फिर दोबारा से वही जो खुदा ना खास्ता जो पहले हुआ कि वैसा ना हो जाए, लोगों की जानें ना चली जाएं, दिक्कतें ना हो जाएं। तो आज इवन सबसे बड़ी दिक्कत जो कंसर्न है वो ये है कि इंडिया में भी एज पर द स्टैटिस्टिकल डेटा ऐसा माना गया है कि ज़्यादातर लोगों ने जो दो डोजेज हैं, डोज़ वन डोज़ टू लगवा ली हैं। जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कुछ ही लोगों ने लगवाई है, जो थर्ड वाली डोज है। चाइना में यही हुआ है कि वो लोग, वो पेशेंट्स जो रिकवर हो गए, उन्होंने जो दो डोजेज लगवा ली, नॉर्मल लोग जिन्होंने दो डोजेज लगवा ली फर्स्ट एंड सेकेंड, उनको भी कोरोना क्या कर रहा है, वो इन्फेक्ट कर रहा है और हॉस्पिटलाइज कर रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए ताकि हम क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द फूड, है ना, क्या क्या हम खाएं, क्या क्या ना खाएं, ताकि हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि वायरस में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इम्यूनिटी है। अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग इनफ है वायरस से लड़ने के लिए, आपकी जो इननेट इम्यूनिटी है, आपकी इम्यून क्षमता जो है, आपकी जो प्रतिरोधी क्षमता है, प्रतिरक्षा क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपका वायरस जो है वो बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हो सकता है आपको बीमार कर दे, लक्षण वक्षण आ जाएँ, हल्का फुल्का दिक्कत हो जाए, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज़ OBF7, ओमिक्रॉन BF7। ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बेसिकली ये स्ट्रेन है, इतना समझ लिए कि ऐसा माना जा रहा है, जो भी इसके विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन की जो BF7 स्ट्रेन है वो कंपैरेटिवली वो पहले वाली स्ट्रेन से ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसमें व्हाई वी शुड केयर अबाउट, हमें केयर लेने की क्यों ज़रूरत है। केयर लेने की इसलिए ज़रूरत है, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लीथल स्ट्रेन है। तो अगर इंडिया में आ जाती है, हमारे भारत में आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं, है ना। वो हमेशा कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन दी ट्रीटमेंट, है ना। तो जो हमारा बचाव है वो हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है उपचार से। तो बचाव क्या क्या हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम दो बिंदुओं में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट टू डू, करना क्या है, उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट नॉट टू डू। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरस जो है वो आपको कम परेशान तभी कर पाएगा, या आपका कम नुकसान तब कर पाएगा, जब आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो आपकी स्ट्रांग होगी। और वो कैसे स्ट्रांग होगी, आजकल सबसे बड़ा एक इशू है, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, इस पर लैंसेट एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड जर्नल है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं, कि पिछले एक दशक में, बल्कि दो दशक में, तीन दशक में देखा गया है कि आज के लोगों की जो इम्यूनिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा गिरी है। उसका सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उसके, वो इसका लाइफस्टाइल है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, खान पान बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इस वाले सेक्शन में, इस वाले बिंदु में व्हाट टू डू, करना क्या है, हमें ऐसे फूड खाने हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, भरपूर मात्रा में हो, ठीक है। विटामिन सी के लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो मैं इसका लिंक इस सेक्शन में दे दूंगा नीचे। तो आमतौर पे जनरल आपको बता देता हूँ, विटामिन सी आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो है आंवला में होता है, हरी मिर्च में होता है, ग्वावा में होता है, अमरूद में होता है, और बेरीज में होता है ना। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो हमें ऐसे फूड खाने हैं जिसमें विटामिन सी
भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि विटामिन सी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में, बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में विटामिन सी का बहुत ही बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। तो हमें ऐसे फूड खाने हैं, हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो। अब इसमें बहुत ही क्रूशियल इसमें कुछ चीज़ें हैं। आम तौर पे जो विटामिन डी है दो तरीके का होता है, D3 और D2, मतलब एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड। बेसिकली जो आमतौर पे जो फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं जिनमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे या जो हमारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें आमतौर पे विटामिन डी ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, वो ये सोचते हैं कि यार हम क्या खाएं, क्योंकि वो तो जो है वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो तो वो सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे अच्छा, सबसे प्रचुर मात्रा में जिसमें विटामिन डी होता है, सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है मशरूम। तो आप लोग, वो सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो प्योरली वेजिटेरियन है, तो आप सभी के लिए विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, मशरूम है। तो आप लोग मशरूम जो है वो आप पीरियडिकली खा सकते हैं इसको, मतलब खाने को तो आप डेली खा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड टेक 1 or 2 times इन अ वीक, एक दिन भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। डाइटरी फाइबर आजकल चलन है मार्केट में, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्यों गिर गई। जैसे मैं अभी लैंसेट का एग्जांपल लेके आपको बता रहा था कि इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं कि कैसे थ्रू द कोर्स ऑफ डिकेड जो ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है वो गिरी है, उसमें लाइफस्टाइल का रोल है और लाइफस्टाइल में खाना भी हमारा आता है। तो आजकल मार्केट में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो फूड प्रोडक्ट्स मौजूद है मार्केट में वो सारे के सारे कैसे हैं, जो रिफाइंड फ्लोर से बने हुए हैं, जो मैदा से बने हुए हैं। मैदा से बने हुए मतलब उसके अंदर डाइटरी फाइबर है ही नहीं, ठीक है। तो हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें डाइटरी फाइबर जो है वो प्रचुर मात्रा में हो, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो, अच्छा खासा उसमें मौजूद हो, वो हमें खाना है। नेक्स्ट मिनरल्स। मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। इवन जो फर्स्ट वाली वेव थी कोरोना की, उसमें मैंने देखा था, मेरे कई सारे दोस्त जो है वो मेडिकल लाइन से हैं, मेडिकल लाइन से डॉक्टर्स हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जब रिकवरी नहीं हो पा रही थी, मतलब कोरोना पेशेंट का इलाज चल रहा था, दे ऑल ओवर देयर इन द ICU, है ना, तो रिकवरी नहीं हो पा रही, तो उन्होंने क्या किया, विटामिन डी और जिंक साथ में चलाया, तो उससे रिकवरी रेट बहुत बढ़ गई उनकी, क्योंकि विटामिन डी इसका बहुत बड़ा रोल है, विटामिन डी का इम्यूनिटी बिल्डअप करने में, और जिंक जो है ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमें ऐसे हमें ऐसा खाना खाना है, हमें ऐसे फ्रूट, वो फ्रूट हो सकता है आपका, वो आपकी सब्जियां हो सकती हैं जिनमें जिंक और आयरन भरपूर मात्रा में हो। जिंक के लिए, जिंक का जो सबसे अच्छा सोर्स है, हालांकि बहुत सारे फलों में, बहुत सारी सब्जियों में जिंक मौजूद होता है, इसका सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है, सबसे सस्ता सोर्स जो है वो कद्दू के बीज हैं, जिसको अंग्रेजी में पम्पकिन सीड्स कहते हैं। तो पम्पकिन सीड जो है वो वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो बेहतर ये है घर पे आप जब आपने कद्दू बनवाएं तो उसमें से बीज ना निकालें, है ना, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और मार्केट में आप जो है जो जितने भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो पम्पकिन सीड्स हैं वो मौजूद हैं, उसका पाउडर मौजूद है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो, या फिर आप घर में भी उसको प्रोसेस करके बना सकते हो। तो जिंक और आयरन, आयरन के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो है वो है गुड़, जिसे अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं। आमतौर पे हम लोग जो है ना वो आजकल ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मॉडर्नाइज, मतलब सो कॉल्ड मॉडर्नाइज हो गए हैं, मॉडर्स्ट हो गए हैं, तो उन सब चीज़ों को, जो पुराने वाली कन्वेंशनल चीज़ें थी उनको हमने त्याग दिया है बेसिकली, तो उसका नुकसान हमें आज झेलना पड़ रहा है। क्योंकि हम आजकल हर एक चीज़ में, हमारे घर में अगर मिठाई बनेगी, शादी ब्याह में मिठाई बनेगी, कोई भी रेसिपी बनेगी, कोई भी डेजर्ट बनेगा, उसके अंदर जो हमें रिफाइंड शुगर ही यूज़ करना है, हम जो नेचुरल हमारा जो स्वीटनर है वो यूज़ करना ही भूल गए हैं। गुड़ सबसे अच्छा स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर है, और हालांकि ये प्रोसेस फॉर्म में है जो शुगर केन जूस से बनता है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो इसको आप खाएं, ये बहुत अच्छा है। और जो लोग डायबिटिक्स हैं वो इसका ध्यान रखें, वो ना खाएं, और अगर खाएं भी तो अपने जो फिजिशियंस हैं उनकी सलाह और मशवरे के साथ खाएं। तो ये वो बात रही कि हमें क्या करना है, तो ये तमाम चीज़ें आपको खानी है, ठीक है, विटामिन सी वाले फूड खाने हैं, विटामिन डी वाले खाने हैं, आपको डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा लेना है, और मिनरल्स वगैरह आपको अच्छी मात्रा में लेना है ताकि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो जो बाहर के जो एजेंट्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उनसे
लड़ सके, आपकी रक्षा कर सके। अब वो बात कर लेते हैं कि व्हाट नॉट टू डू, हमें करना क्या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर जो है वो करना क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि करना क्या नहीं है या क्या नहीं करना है, क्योंकि ये आपका जो है चीज़ों को डिक्लाइन करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिफाइंड फ्लोर, मैदा से बनी हुई चीज़ें या मैदा से बनी हुई रोटियाँ, इट मे बी या नूडल, इट मे बी या जो मार्केट में हमारे जितने भी प्रोडक्ट चलते हैं, वो आप कम से कम खाएं या बेहतर है कि ना खाएं। और अगर आपको ज़्यादा खाने का शौक़ है या मन कर रहा है तो आप घर पर लाके उसको बना लें विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ द डायट्री फाइबर, या फिर होल व्हीट फ्लोर से बना लें, या होल आपका जो मेज फ्लोर है, मक्का का आटा है, बाजरे का आटा है, इन तमाम चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफाइंड शुगर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आजकल बड़ा चलन है। अच्छा, ये रिफाइंड जो है ना, ये पूरा रिफाइनिंग एक प्रोपेगेंडा, ये मेरा एक ब्लॉग है बेसिकली matfu.com, www.matfu.com, मैं इसमें नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इसी पर लिखे हैं, तो उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है रिफाइनिंग द प्रोपेगेंडा पर। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, मतलब लोगों ने क्या किया, चीज़ों को कॉमर्शलाइज करने के लिए, कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। उन्होंने हर चीज़ को रिफाइन कर दिया, पानी को रिफाइन किया, देख लें आप दिक्कतें कितनी आ रही हैं। लोगों के घुटने कमज़ोर हो गए हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, स्केलेटन में जान नहीं रही है, क्योंकि वो रिफाइंड पानी पी रहे हैं। ठीक है भाई, हैवी मेटल्स हैं तो जहाँ पे है वहाँ पे करो ना, जान नहीं है वहाँ भी चल रहा है सर, क्योंकि चीज़ों का जो है वो एक तरीके से कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। ठीक है ना, रिफाइंड शुगर हर जगह वही चल रही है, इसलिए नुकसान दे रही है। ठीक है ना, पहले के लोग जो है वो एक एक भेली खा जाते थे गुड़ की, उन्हें कुछ नहीं होता था 80-80 साल तक, 90-90 साल तक। तो जो रिफाइनिंग है ना, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं कर सकते हैं, अग्री नहीं हो सकते हैं, वो आपकी अपनी राय अलग है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है बींग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, ये रिफाइनिंग जो है प्रोपेगेंडा है। बेहतर है कि अगर हम चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में खाएं वो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, जितना हम प्रोसेस करके खाएंगे उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिफाइंड शुगर कम से कम लेना है। नेक्स्ट, हमें बहुत ज़्यादा रात तक हमें जागना नहीं है, जागने से आपको जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, और कॉन्स्टिपेशन जड़ है आपकी तमाम बीमारियों का। आपके पेट में कब्ज़ रहेगा तो कब तमाम बीमारी को जड़ रहेगी। ठीक है, तो रात में जागना नहीं, इससे इम्यूनिटी आपकी जो है फाल होती है। नेक्स्ट, एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द इम्यूनिटी, और वो तमाम काम आपकी लाइफस्टाइल, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल है, आप अर्ली स्लीप को जाइए, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आजकल ये जो चक्र है बिगड़ गया है, इसी चक्र के बिगड़ने से बहुत सारी दिक्कतें हमें झेलना पड़ रही हैं, और इसी का एक साइड इफेक्ट है। मैं एक बार डिस्कस कर रहा था विद वन ऑफ माई कलीग कि अगर ये कोरोना का वायरस आज से 100 साल पहले आया होता तो इतनी जाने नहीं जाती, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा क्या हो जाता, तो मैंने उनको यही बोला कि क्योंकि पहले के आज से 100 साल पहले जो लोगों की इम्यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि हम उस टाइम सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों पर डिपेंड करते थे, हम खाना ऑर्गेनिक खाते थे, हमारा लाइफस्टाइल ऑर्गेनिक था। अब जो है हमारा सारा का सारा जो है क्या हो गया है, वो केमिकल बेस्ड हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल सारा का सारा चेंज हो गया है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी गिर गई है, और इसलिए तमाम दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो ये था आज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स एज ए प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, और इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, और साफ़ सफाई का, सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रखिए। पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्क लगाइए, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अगर वायरस नहीं भी है तो आपको जो एयर पोल्यूशन उससे आपको बचाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ ना कुछ आपको इससे फ़ायदा होगा। तो बने रहिए और देखते रहिए, जल्दी हाज़िर होंगे किसी नेक्स्ट इशू के साथ में।